नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूँ आपके साथ। महेश नीमच जिले के जावत विधानसभा के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के क्षेत्र में देखा जा रहा है कि आदिवासी परिवारों में खासी नाराजगी है। सिंगोली तहसील क्षेत्र के बांडदा गांव हम पहुंचे, यहाँ देखा जा रहा है कि पिछले दिनों डैम जो बन रहा था बांडदा डैम, इसको लेकर आदिवासी परिवार और प्रशासन के बीच विवाद की स्थिति बनी थी। प्रशासन को अपनी जेसीबी लेकर यहाँ से निकलना पड़ा। आदिवासी परिवार जो लगातार परेशान है, प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान तो आदिवासी परिवारों के उत्थान की बात करें, लेकिन मंत्री के क्षेत्र में ओम प्रकाश सकलेचा उनके क्षेत्र में देखा जा रहा है कि आदिवासी परिवार खासे नाराज है। आखिर क्यों मंत्री सकलेचा इनके बीच आकर इनकी नाराजगी दूर नहीं करते, क्यों इनके बीच बातचीत नहीं की जाती, हम इनसे बातचीत करेंगे। आज ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएंगे, आदिवासी परिवारों से बात करेंगे क्या कुछ नाराजगी और आखिर इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। हाँ भैया, मुझे बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गांव बांडदा का। बांडदा में डैम बन रहा है, आप लोग क्या डैम नहीं बनना देना चाहते, क्या कुछ स्थिति है? वो स्थिति ये है कि हमें बांध से कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति ये है कि हमारी जमीन डूब रही है, मकान डूब रहे हैं और सारा परिवार बेखर हो जाएगा, तो जमीन नहीं बचेगी तो हम लोग खाएंगे क्या? ये जमीन के बदले बता रहे मुआवजा देने जा रहे हैं आपको, तो मुआवजा नहीं लेना चाहते, कैसे स्थिति है? शासन मुआवजा हमें 2000 रूपए, 2 लाख रूपए प्रति बीघे मान से देना चाहते हैं, जो कि हम उन पैसों से जमीन नहीं खरीद पाएंगे और वो हमें बहुत कम है। मतलब कुल मिला के आप लोगों का कहना है कि जमीन के बदले जमीन दी जाए। जमीन के बदले जमीन। तो क्या मंत्री सकलेचा कभी गांव में आए, बातचीत करी, क्या रहा? नहीं, अभी थोड़ी देर बंद पिलाए, वो क्या ज्यादा निकाल दिए माननीय विकास यात्रा आई थी आपके गांव में, झेलजा से गुजर गए थे। आपके गांव में क्यों नहीं आदिवासी परिवारों के लिए? शिवराज सिंह चौहान तो उत्थान की बात कर रहे हैं काका, कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ पे? मैं तो जिसान उमरी पूरी वजह में था, यही रह गई। तो खेती जो थी वो उपजाऊ आपने बनाया था या क्या करा था खेती? बनाया है। तो अब क्या हुआ, डैम बन रहा है तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, मैं क्या बच्चा बच्ची भूखा मरेगा है? तो और क्या है? तो मंत्री जी आए, बातचीत करी? नहीं करी, नहीं करी, नहीं करी। आखिर मंत्री जी गाँव में क्यों नहीं आते हैं? क्या बताओ, हमसे नाराज है, आदिवासी परिवार को, आदिवासी को ही खत्म करना चाह रहे हो तो मंत्री जी आदिवासी को खत्म करना चाह रहे हो? हमारे तो यही हो रहा है ना। सीएम शिवराज सिंह चौहान तो आदिवासी उत्थान की बात कर रहे, नई नई योजना ला रहे ताकि पैरों पे खड़े हो, आप बता रहे खत्म करना चाहते हैं। तो वो बता रहे हैं, मामा तो बता रहे हैं, पर ये तो हमें खत्म करना ही चाह रहे ना, ना तो हमें जमीन दे रहे और पूरा गांव भी वो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे आप? क्या मतलब भाई, उस दिन भी बात आई थी कब आर पार की लड़ाई होगी, तो करेंगे क्या? मरना है तो मरेंगे, और क्या, बाहर जाके भी मरेंगे तो यही पे मरना ही है, तो यही मरे ना, हमारी भूमि पे मरेंगे। मंत्री जी आए, कभी आए, बातचीत करी? नहीं करी है। इस वक्त महिलाएं भी हमारे साथ में। भाई बताइए कौन से गांव के रहने वाले हैं? बांडदा। बांडदा के। तो डैम बन रहा है, खुश नहीं हो क्या? नहीं। कारण क्या, क्या नाराजगी? जमीन देवे बन हुकाम मरा, तो मुआवजा दे रहे, उससे मुआवजा दे रहा, जमीन आवे को नमा गए ऐसा। फिर क्या होगा आगे, अगर डैम बन गया तो? डैम बन गया तो हुकाम मरा डे को नमाटे गए वहाँ ऐसा। भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? बांडदा के। डीएम बन रहा, क्या स्थिति, जोर से बोलिए। जमीन के बदले जमीन चाहिए हमें, जमीन के बदले जमीन चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बांडदा। बांडदा। तो जमीन जाएगी तो क्या होगा, डैम बनेगा तो क्या होगा यहाँ पे? हटे ही रहेंगे, लेकिन समस्या क्या पैदा होगी, नहीं होगी? जमीन सारी मांगते, जमीन के बदले जमीन, मुआवजा नहीं चाहिए? मुआवजा क्यों नहीं चाहिए? उस मुआवजे में जगह नहीं मिलेगी? बांध छावी को नहीं, बांध छावी को नहीं, उस मुआवजे में जमीन मिलेगी नहीं मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। जैसा की आपको बताऊंगा, आदिवासी परिवार है साथ में, पीछे और भी काका, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। काका मुझे बताइए कहाँ के रहने वाले आप? बांडदा। बांडदा के रहने वाले हैं, डैम बन रहा है, खुश है, क्या स्थिति, क्या परेशानी है? माँ के बांध छावे पी को नहीं। ये डैम बनेगा तो क्या नुकसान, क्या हो रहा है? नुकसान पूरे वो जो जमीन डूब रही, मांगे जमीन डूब रही है, तो जमीन का मुआवजा दे रहे हैं ना ये लोग? मुआवजा दे रहे हैं, मुआवजा में मांगे जमीन नहीं मिलती, वोटे खरीदे उतरे रुपया नहीं मिलती, नहीं मिलती है। तो आप क्या मांग, क्या आप लोगों की? मां की मांग है बांध बनाओ तो हमको जमीन के बदले जमीन दी जाए, उपजाऊ खेती वाली जमीन चाहिए, उपजाऊ खेती वाली चाहिए, जैसी जमीन चाहिए गुजार देनी चाहिए सरकार। तो अभी क्या होगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको? लड़ाई तो लड़ेंगे, हमारी जान से लेकर जाएगी, पर हम लेके रहेंगे। तो मंत्री सकलेचा आके बातचीत क्यों नहीं कर रहे? मामा जी तो भाजपा सरकार जो है, मामा जी तो आदिवासियों के परिवार के उत्थान की बात कर रहे, मंत्री सकलेचा आए बातचीत करने का भी आपसे? मंत्री सकलेचा जी नया यहाँ पे बातचीत करने के लिए, मामा जी कह रहे हैं ये नारे हमारे पास, क्या पता उसको। काका कितने साल से रहते हैं यहाँ?
मिनट ना। कितने साल से रहते हैं काका यहाँ पे? अरे कितने साल से रहते हैं आप? कितने साल से रह रहे? मैं वर्षों से यही रह रहा हूँ। हम आप चाहते क्या है? हम तो बांदा बांध के विषय में हम तो चाहते नहीं है बांदा बांध। डैम बनने से लोगों का फायदा है, आपका नुकसान क्या होता है? हमारा तो नुकसान है क्या? जमीन डूब रही है हमारे गांव की, जमीन डूब रही है। तो क्या करेंगे? आदिवासी अनपढ़ भी होते हैं, क्या करेंगे फिर? हमारे गांव में अनपढ़ है, आदिवासी अनपढ़ है, समझ नहीं पाते हैं। और जमीन का मुआवजा दे तो हमारे मुआवजा नहीं चाहे वहाँ पे, ऐसे में तो सरकार खरीद को हमको देते थे। ऐसा क्या करेंगे अब आप लोग? न्याय कैसे लेंगे? न्याय तो लड़े करेंगे, हम तो आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, लड़े करेंगे। कितने साल से रहते हैं आप यहाँ? मैं तो बसों या टी। तो जो खेती थी उस जमीन को उपजाऊ कैसे बनाया आपने? मारा बाप दादा बने गया, मैं तो मचो कहीं नहीं बने। ऐसा डेम बन रहा है तो क्या चाहते हैं आप? तकलीफ हो? तकलीफ किसको? मारा बच्चा को हो? आपके बच्चों को हो? हमारी आदिवासी लोगों को पब्लिक ने हो? कहाँ कमा खाएंगे? मुआवजा दे रहे हैं तो उसमें काम नहीं चल रहा? यूँ काम चले साहब, कहीं कहीं नहीं हुए तो कहीं। 2 लाख रुपए बीघा दे रहे, 2 लाख में जमीन मिलती है? 15 लाख दे तो निहरेट है, जमीन नहीं मिलती है। जमीन कटे में लेट है, कौन कटे जमीन? तो क्या होगा अगर डैम बन गया तो आदिवासी परिवारों पे कैसा संकट आएगा? वे जमीन को कटे जंगल तोड़ के मजी आदिवासियों का बिठा दे तो मजी आत्मा कोशी हो जाए और वो दुजुमान बंद है मजी आड़ी बंद है। और बन गया डैम तो क्या भूखे मरने की नौबत रहेगी? भूखा ही मरांगा, मांगा मांगा बीज मांगा कई हुआ फिर। आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गांव बांदा की तस्वीरें, जहाँ आदिवासी परिवारों में पिछले दिनों भी देखा गया था कि जो डैम बनाने के लिए यहाँ पर जल संसाधन विभाग की टीम काम कर रही थी, उस समय आदिवासी परिवार और जल संसाधन विभाग के बीच काफी विवाद हुआ था। विवाद के बाद में यहाँ पर जो प्रशासन का जो काम करने अमला आया था उससे बैरंग वापस लौटना पड़ा था। आदिवासी परिवारों ने आर और पार की लड़ाई की चेतावनी दी थी। इस वक्त हम गांव में पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ग्रामीणों की बात भी आप प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करा, आप देखना ही होगा। आखिर एक तरफ तो मामा शिवराज जो आदिवासी परिवारों के उत्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन जावद विधानसभा में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा के क्षेत्र में आखिर क्यों मंत्री जी इन आदिवासी परिवारों से आकर इनकी बातचीत करने का प्रयास नहीं कर रहे, उनकी समस्या को क्यों नहीं सुना जा रहा है? यहां तक कि इन परिवारों ने आरोप लगाया कि मंत्री सकलेजा आदिवासी परिवारों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आगामी दिनों में देखना होगा क्या प्रशासन और मंत्री सकलेजा आदिवासी परिवारों की बात सुनेंगे, क्या इनकी समस्या का समाधान होगा या फिर इनकी आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी। ऐसे आदिवासी परेशान परिवार जो परेशान होते रहेंगे। ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी राजदीप शक्तावत के साथ में महेश जैन।